क्या किया? गिरा दिया, दोबारा उस मालक की करम नवाजी से पंचन पाक के सदके से दोबारा उठने नहीं दिया। हाँ, ये तसल्ली बख्श काम करा है। उस्ताद की करम नवाजी रही है और मौला की करम नवाजी रही है। दुबई से आया मेरा दोस्त, उसको सलाम करो। सलाम करो? हाँ जी। दुबई से क्या जो सऊदी अरब से आएंगे उनको सलाम नहीं करो? नहीं, मेरे लिए मेरे बम्बई इसका उद्घाटन करे। अच्छा, मामा से जी ने सबर नहीं हुआ बिल्कुल भी, ठीक है मम्मा जी सबर नहीं हो। खोल 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 खोल, पता मेरे पेट में बबोल मच जाते हैं। तो खोलो बाबा, छुपाए वो। हाँ जी। और दूसरे कोई चीज ऐसी हो सरप्राइज होकर फिर काऊ माऊ होने लग जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। काम दिया मुझे, बहुत इज्जत दी है। मैं सदके जाऊँ, मैं वारी जाऊँ उस पे। हाँ जी। कहते ना, बड़ी बेटी बड़ी बड़ा जवाई, मेरे सिर के ताज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। अब माशाल्लाह से आपको जवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमजीत। मेरे YouTube चैनल वेली कुड़ी। उम्मीद करती हूं आप लोग घरों के होंगे, अपने घरों में कुछ आबाद होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इन प्यारे से दुआओं के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, भाइयों, बेटियों, बेटो, पोतियों, पोतो, दोतियों, दोतो, अल्लाह पाक खुश रखे, दुनिया जहान की खुशियाँ दे। आमीन। कर्जदारी कर्जदारों को कर्जदारी से रिहाई दे, बीमारों को अल्लाह पाक शफा दे, अपने अल्लाह पाक घर दे, अल्लाह पाक सब खुशियाँ दे, अल्लाह पाक बच्चियों का नसीब। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे लिए भी दुआ करना, अल्लाह पाक हमारे घर में भी खुशियाँ दे। अच्छा, ये क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हो रहा था, क्या कर रहे थे आप? ये फ्रेश लुक दे रहा था। फ्रेश लुक दे रहे थे। अच्छा, तो आपने अपनी दाढ़ी मूछें नहीं करवाई? इंशाल्लाह कल करवाएंगे। वालेकुम सलाम, क्या पकार रही? कैसी हो? आज आप ढीली मट्ठी लग रही है। ईद के दिन बाजारों में रश बहुत होता है। पहले ना लोग कहते हैं की ना छोटी ईद के ज्यादा रश होता है, बड़ी ईद की कोई इतनी तैयारियां नहीं करता क्योंकि सब गोश्त वगैरह में लगे होते हैं, पर इतनी रश की बहुत ज्यादा रश है। अल्लाह पाक सबके रिस्क में इजाफा करे। आमीन सुम्मा आमीन। और हमेशा सबकी ईदें अच्छी होती हैं। पापा कल भी ब्लॉग में नहीं थे, व्यूअर्स देन दे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? ठीक हो? अल्लाह ताला आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियां देखनी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला किसी किस्म का दुख परेशानी आपको ना दे। अल्लाह ताला खुश आबाद रखे और हमेशा सलामत रहे। आप कहाँ चले गए थे? काम। कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। ओके, आई एम फाइन, थैंक यू। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा फाइन। तो हम भी उठा बैठते हैं, नहीं तो मामा कहती है मेरा मुंह बहुत बड़ा आ रहा है, मेरा मुंह बहुत बड़ा आ रहा है। तो फिर इसलिए हम बड़ा ही कर देते हैं मेरे मुंह को। बड़ा साईं सलाम है। अच्छा जी, तो हम इधर बैठते हैं ताकि इनका फेस बहुत बड़ा ना आए, पापड़ ना लगेंगे। ठीक है, सही है। अच्छा जी, तो पापा आप तबीयत बेहतर फील कर रहे हैं अपनी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे यूट्यूब फैमिली के जितने भी बच्चे बच्चियाँ सब ने दुआएं की हैं और दुआ कभी रद्द नहीं जाती है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का शुक्र है। एक दिन तो ऐसा लगा था कि बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है, बस वो बीपी लो हो गया और लो में गुनूदगी ज्यादा आती है। हाँ जी, झटका लगा था, झटका बीमारी का झटका खोलती रहा। मैं अपने देखने वाले व्यूअर को, अपनी यूट्यूब फैमिली को मशवरा देता हूँ कि ये अब हाड़ का महीना लग गया, देसी महीना, तो अच्छा। इसमें एहतियात करें कि सर को ढांप के रखें, पीछे कमर पे भी कोई ऐसा बड़ा कपड़ा हो जो कमर को भी ढांप के रखें, क्योंकि ये जो सेक इस महीने का लगता है ना, सावन भादों से भी बुरा होता है और बंदा यानी कि फिर मुश्किल से सेटिंग में आता है क्योंकि ये बहुत बुरा महीना होता है। हाँ जी, बाकी अल्लाह के दिन बनाए हुए हैं। हाँ जी, लेकिन हाँ जी, एहतियात टू बी केयर। हाँ जी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, क्या इशारा कर दी है? इन्हें क्या इशारा कर दी? क्या कर रही थी? और क्या, तो बिल्कुल माई बन के बैठ गई इसके लपेट लपेट। मासी बख्ता। क्या हुआ? ठीक
लपेट लपेट के बैठ जाएंगे अपने आप को मुर्दे की तरह। नहीं लपेट तो सही चले, बिल्कुल मासी बक्ता तो ना बन जाए। अच्छा हाँ। दुबई से आया मेरा दोस्त, उसको सलाम करो। अच्छा सलाम करो। हाँ जी दुबई से क्या जो सऊदी अरब से आएंगे उनको सलाम नहीं करो? नहीं नहीं मेरे लिए मेरे सारे के बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। नहीं मैं दुबई से बुला रहा हूँ। देखो कोई सऊदी अरब से आएगा, कोई लंदन से आएगा, कोई कहीं से, उनको सलाम नहीं करना दुबई? भाई मैं पूरे दुनिया को सलाम करती हूँ, जितने मेरे व्यूअर्स हैं सबको सलाम दुआ पेश करती हूँ। किस मुसीबत में फंस गई? दूसरे को बंदे को नर्वस आया कर दे। भैया आपको क्या प्रॉब्लम है? एक ही दफा अपना दुपट्टा सेट करके बैठा करो, वीडियो में ना यूं करती हूं। मेरा दिल परेशान हो जाता, क्या होगा क्या करती है? वो साहब हो गया कि उड़ जानी है हवाएं, मेरी चुन्नी ना उड़ा। आप उड़ा रही हवा तो नहीं उड़ा रही, आप उड़ा उड़ा फिरेंगे की हवा तो उड़ाती है ना। नहीं आपको क्या मसला है? कभी मेरा कोई फैशन ना ठीक हो, तू बैठ जा मैं जा रही हूँ, तू ये ना कर मैं जा रही हूँ। तुम अजीब अजीब से फैशन कर लेंगी है, जब माए समझा रही है तो वैसे ही कर लो तुम। बात तो सही है। नहीं जी अपने फैशन वो मामे नहीं पसंद आते, फिर हम कहे तुम बैठो हम चलिए। अच्छा ऐसा हुआ ना कि गुज़िश्ता दिनों मेरे सर के ऊपर बाल नहीं होते थे तो मैं दुपट्टा कस के लपेट लेती थी, तो मेरी मम्मा को इतना बुरा फील होता था। और उस दौरान इतनी शादियां आई हमारे खानदान में कि दिल टूट के शादियां आई है। खामोश, बीमारी की वजह से कुछ वो दुपट्टा कस के लपेट ले, वो बड़ी वाली बकरखानी में उसकी स्टार खाली। अच्छा तुम्हें कुछ दिखाना चाह रही थी, कुछ बताना चाह रही थी पापा आपको। हाँ जी क्या दिखा रहे? क्या सुना रहे अब्रे? वो कह रहे दिखाना चाह रहे हम कुछ। नहीं कुछ पहले कुछ सुना दो ना, कुछ अच्छा सा ईद आ रही है। आपके रोड पे इतनी बोटियों की हवा लगती की सारी रात हमारा दिमाग सिक जाता होता है। हाँ जी नहीं करे जी बोटियों की हवा, मैं कोई बैठा है बकरा ईद का है, बकरा ईद का ईद का सीने है, गले बैड़े को और बैल को लगा कर मिल गए। अच्छा मीठी ईद हो, बस उसमें ये ईद है खा के मुँह मीठा मीठा करे, इसमें बोटिया खा के मुँह। ये तो वो साहब हो गया चन चन दे सामने आ गया, मैं दुआ तो सदके जावा, सोने ईद मुबारक बेलियो खैर मुबारक। क्या बात है सर, आशा करें हैप्पी हैप्पी हो तुम लोग, आज तुम्हें मेरे बेटे की कमी नहीं महसूस हो रही है? अब नहीं भाई वो सब्जी मंडी खोल के बैठ गए, कोई अजीब सी मजबूरी है क्योंकि अब ये ईद में चंद दिन रह गए और उनका काम है कि वो अब लेट नाइट आया करेंगे तकरीबन तीन चार दिन ऐसे तीन चार दिन ऐसे ही। और ये कड़वा घूट मुझे भरना पड़ेगा तीन चार दिन। मैंने कहा ये बड़े भैया पूरा करे उसकी कमी को, जैसे वो बीच बीच में हीरा को टॉर्चर करता रहता ना, ऐसे तू टॉर्चर कर। अच्छा आप गाना सुनाए मुझे, सुनाए ससुर के सामने कैसे सुनाएगी? वैसे भी नहीं सुनाई, सही पकड़े हैं। ऐसा गाना गाए थे कि हम दंग पड़ गए थे। मैं कह रही पूछना स्वाद आ गयो हम से बहू ने गाना गाया ऐसा जबरदस्त गाया कि क्या बात है। आप ऐसा करें सर, सरफ से धोया, आपका सर बहुत शाइन कर रहा है। चुप कर बे कुत्ते, चला आज आपने सरफ से धोया चुटकी में बाल फंस के काफी सारा निकल गया, पूरी लट्टी उतर आई। सही नहीं था। पूरी लट उतर के आगे साथ साथ में। मेरे बच्चे की सारी ब्यूटी खराब हो गई बेचारे, पिंक सारी खुल गई उसकी,
हां क्रिंपी करो ले लो गाना सुना देना थाना लटुल उल्टी सुलझा जा रहे बाल मैं ना लगाऊंगी हाथ रे वो ऐसा कैचरी सुसरी ने काम खराब करा मैंने बच्चे की लट गई रात को इन्होंने मेरे साथ बहुत भाड़ी करी जब मैं आइसक्रीम खा रही थी मेरी आइसक्रीम नीचे गिर गई और इनकी नजर मेरे पे थी शाजू की वैसे जुनैद भाई को फोन करा आपने मैंने नहीं करा तो तुम्हें कौन सा ख्याल आ गया ऐ की हाल आ गया है ना ख्याल आया नहीं बदतमीज नहीं कह रही हो तो दो तीन दिन में कह चुकी मुझे तो फोन कर लो किया मैं बोल रही हूं ना फोन मैंने बता दिया ना कि अब ये दो चार दिन बवजह मजबूरी तो काम ऐसा है करती थी क्यों घड़ी को देख के वो कहते हैं ना कि नौकर की तो नखरा की ऐसे ही बात है भाई कोई नखरे वाली बात नहीं हम काम करें अपनी मेहनत करें उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि हम क्या करें और क्या नहीं करें मेहनत सबसे ज्यादा जरूरी होती है और मेहनत करने वाले की कभी भी हार नहीं होती मेहनत करें दिल तोड़ के मेहनत करें स्ट्रगल करें अच्छे तरीके से करें ताकि जब हमें अपनी मेहनत का फल मिलता है ना तो बहुत खुशी मिलती है मेरा तो ये है ना कि हवाई काम है और दूसरी बात ये आपको कोई मेहनत करने नहीं दूंगी जो भी नहीं बात यह कि हवाई काम से मुराद है फोन आ गया उसका आ गया वहाँ काम कर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक रिज़्क बहुत अच्छा चला रहा है पाबंदी नहीं है किसी की फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी चले गए पटीजन कभी नहीं इतनी दूर नहीं नहीं हमारे शहर के दूर में आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ता है पर रोज तो नहीं ना पर अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभार रुकता है रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जो हमें रिज़्क अता करता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हैसियत के मुताबिक हमारे लिए बहुत ज्यादा अल्लाह ताला वो कहते हैं ना कि भूखा उठाता जरूर है भूखा सुलाता नहीं है इस बात पे बिल्कुल तकवा उस मालिक पे ही होना चाहिए और दूसरी बात रही हार्ड वर्क की इस दफा बकरा ईद पे आप हार्ड वर्क कोई नहीं करेंगे नहीं मैं वो नहीं करता लेकिन हार्ड वर्किंग मैं पता क्या कर रहा हूँ इसलिए कोई भी आएगा ना कोई भी वो मैं हाथ पैर मुंह शुद्ध होकर सब जवाब दे दूंगी का मसला कमजोरी है जिससे मैं बुगदा चलाते हुए एक अदद कसाई भी है ठीक है तो ये माशाल्लाह से हमारे खानदान में है हाँ ये भी हाँ जी बड़े का काम करते थे ये क्या नहीं कांगड़ी पहलवान नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी सेहत होती थी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के आज तक जितना भी काम किया ना एक दफा गिरा दिया दोबारा उस मालक की करम नवाजी से पंचन पाक के सदके से दोबारा उठने नहीं दिया हाँ ये सबली बख्श काम कर रहा है उस्ताद की करम नवाजी रही है और मौला की करम नवाजी रही है कभी और वो किसे भी बनाकर दिया तो वो सिर्फ धो के हंडिया में डाल ले बाकी उसे धोने की भी जरूरत मतलब उसे टेंशन नहीं होती छिछड़ा उतारे ना कोई पट्ठा उतारे ऐसा के जैसा अपने बस मलाई बोटी है ऐसे ही है पर इस दफा मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी ये व्लॉग के जरिए मैं पैगाम भी पहुंचा रही हूँ और आपको मैं ऐसा कुछ करने नहीं दूंगी क्योंकि वेरी वीकनेस बहुत ज्यादा वीकनेस है और नहीं नहीं मेरी बात सुने की उम्र का हिस्सा भी होता है ठीक है ना और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पापा बहुत स्ट्रांग हैं अगर इनको सीधा करना मेंटल तो लगाते हैं नहीं अच्छा तो एक बात है ना कि वीकनेस हो जाती है पट्ठों में कमजोरी हो जाती है ऐसे ये वजह है ठीक है ना और उजार बहुत खतरनाक होते तो इसलिए मैंने पापा को इस दफा बिल्कुल मना कर दिया कि आ काम आपने नहीं करना वो काम ये कर लेंगे अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब आप बकरियां बुकरियां तो गिरा ही लेंगे बस हवा निकल गया क्या आप इतनी मशकूक आंखों से मुझे क्यों देख रही हैं पान खाया मशकूक आंखों से आपकी हलक में मधाकू उतर गया मधाकू उतर गया मुझे लग रहा है आपके गले में चला गया कभी कभी आप थूकती क्यों नहीं है पान को भाई मुझे नहीं आता ही नहीं थूक मैं गंदे काम नहीं करती मतलब ये आपकी इंसल्ट कर रहे हो सारी पापा नहीं नहीं वो मैंने कई दफा कहा है कि पीक को बाहर निकाल के करो वैसे वो कहते हैं ये नहीं आती तो वो वैसे का वैसा पान है ना डब्बे में थूक देती उगाल दान में ठीक दान में सही ठीक रहना पे अच्छा मोड़ गांजो अम्मा और ये पान ला के देते निशाबो मिंड पे जो पान खवेंदी
मोड़ है मेरे व्यूअर नु मेरी लाल गुलिया चंगीया लगती है ने मैं ता पान खाऊं ता पारूं मेरे बच्चे नु पसंद है कि मैं ता पान खांदी ता पारूं ता पारूं पान पे छेद है ना इधर के पान हूं बदनाम हूं पान हूँ बदनाम हूँ मुंह में रखते ही मर जाऊंगा जाते जाते ऐ सनम होंठ तेरे रंग जाऊंगा। वाह क्या बात है। अच्छा पापा जी एक सरप्राइज है तो मैंने आपको पहले बताया भी था। क्या मैंने आपको कल बताया था ना कुछ दुबई से आया मेरा दोस्त उसको सलाम कह रहा हूँ। क्या है अच्छा मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करती हूँ ठीक है। सबसे पहले तो बहुत 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 शुक्रिया दिल से शुक्रिया आप भी शुक्रिया करें। हाँ जी बहुत ही शुक्रिया जिस भी मेरी बेटी ने या बेटे ने हाँ जी जिसने भी अपने ये कर्म किया है हाँ यानी कि जो भी जो आपके बकौल है शुक्रिया तहे दिल की था गहराइयों से तो आप दिखा दे व्यूवर्स को शुक्रिया ये बहुत ज्यादा खुश हो रही है इनके दांत खिल जा रहे हैं एक दो मिरेकल इसका उद्घाटन करें। अच्छा मामा जी ने तो सबर नहीं हुआ बिल्कुल भी ठीक है मामा जी सबर नहीं हुआ खोल 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 पता मेरे पेट में बबोल मच जाते हैं तो खोलो बाबा छुपाए वो हाँ जी और दूसरे कोई चीज ऐसी हो सरप्राइज हो तो फिर काऊ माऊ होने लग जाते हैं। अच्छा 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 नहीं छोट दे माशाल्लाह कोलियां कोली कोलियां लगा के दिखा बहू ये डाऊंगा ये मेरे मुंह जितना है दानिश एक मेरे दिखाए एक मेरे मुंह जितना एक दानिश के मुंह जितना देखो और ये प्लेटें मेरे मुंह जितनी है ये फाड़नी बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह आ ये ला मेरे हाथ में बाइटा आ गया बड़ी मेहरबानी शुक्रिया उनका तहे दिल से शुक्रिया बहुत प्यार करते हैं ये प्यार कोई अपना ही करता है जो इतना अपना समझता है आप मेरी ख्वाहिश सबसे ज्यादा अल्लाह पाक के लाबाद मेरे पापा ने पूरी किया मेरी मामा ने पूरी किया हालांकि ये मुझसे बहुत ज्यादा लड़ती हैं पर ये मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती हैं है ना पापा के बाद मामा के बाद मेरे व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह नहीं दूसरों को माशाल्लाह व्यूअर्स चमचा रख चमड़ गांजू बैठे बदतमीजी काई ना कर आकर चलो चल ये देखे भाई अल्लाह ये डब्बा बज गया मेरे बाजू पे उसमें आप कपड़े रखा करना दुआ काके के लिए। अच्छा देखिए ये इसकी 6 कटोरियां हैं और 2 ढोंगे हैं और ये 6 बड़ी प्लेटें हैं 6 छोटी प्लेटें हैं और ये 2 डिशेज हैं माशाल्लाह मिनी सा बहुत खूबसूरत डिनर सेट है। बहुत शुक्रिया आयशा सुहेल सिस्टर दुबई से है फ्रॉम दुबई ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आया सिस्टर आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी फैमिली को बहुत पसंद आया बहुत शुक्रिया मेरी पूरी फैमिली की तरफ से पापा जी बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला आपको सदा सलामत रखे खुश रखे आबाद रखे अल्लाह ताला आपको हर मुकाम पे तरक्की और कामरानी अता करे आमीन अल्लाहुम्मा आमीन आप दुआएं दीजिए सरकार में अल्लाह बेतहाशा बरकत डाले हां जी अल्लाह उनके बच्चों के नसीब अच्छे करे अल्लाह पाक उन दोनों मियां बीवी की जोड़ी बनी रहे वो सदा सुहागन रहे आमीन सुमा आमीन नी तू भी तारीफ कर आमीन आमीन ये नीली है अच्छा हाँ वो उनकी तो खुशी मुंह से माशाल्लाह पता लग ही रही है ना कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं भाई मेरे व्यूवर्स इतने मुझसे मोहब्बत करते हैं पता तो मुझे है कि मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं उनके कमेंट्स ही जाहिर कर देते हैं कि वो मुझे कितनी मोहब्बत करते हैं उनका अंदाज जाहिर करते हैं पर इतनी मोहब्बत करते हैं ये मुझे पता नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कहना भी नहीं पड़ा उन्होंने सब कुछ करके मुझे बताया कि आप ही आपका पार्सल आपकी तरफ पहुंच जाएगा सिस्टर बहुत 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 शुक्रिया और आपा को भी बहुत पसंद आया सबसे पहले आपा जी ने तो माशाल्लाह की इतनी मुबारकें दी ना इतनी मुबारकें दी ना आपा को दिल खोल के पसंद आया वो भी मेरी आपी है उन्होंने भी आपके लिए बहुत दुआएं और आपा ने भी आपके लिए बहुत दुआएं की हैं आयशा सिस्टर कनाडा में होती हैं हमारी जो भी है ना गिफ्टिंग या जो हम सबसे पहले अपनी बेटी बेटी को दिखाते हैं शेयर करते हैं उसके बाद फिर ये कहते हैं ना अनबॉक्सिंग हो जाती है घर में ना मतलब कि मैं चाहे सबसे छोटी हूँ कुछ भी मशवरा करना होता है ना कोई न्याज लगानी हो या कुछ भी ऐसा हो तो मुझसे मशवरा किया जाता है कि ये कर लें ठीक है मेरी तरफ से पास हो जाता है तो वैसा ही होता है ठीक है और अब
वाले कहते हैं कि बड़ी आपा से पूछो, जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। काम दिया मुझे, बहुत इज्जत दी है, मैं सदके जाऊँ, मैं वारी जाऊँ उस पे। हाँ जी, कहते हैं ना बड़ी बेटी बड़ी बड़ा जवाई, मेरे सिर के ताज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। अब माशाल्लाह से आपको जवाई भी मिल गया, निवासी निवासे भी मिल गए। निवासे भी मिल गए, मेरे मौला ने मुझे इज्जत दी है, इज्जत से नवाज दिया। और आप तमाम यूट्यूब फैमिली हमारी, हमारे सर का ताज है। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना और इस बच्ची से ऐसी अपनी मोहब्बत रखना। भाई मेरे घर वाले मुझे बहुत बच्चों की तरह प्यार करते हैं, पर मैं सोच नहीं सकती थी मेरे व्यूअर्स भी मुझे इतना प्यार करेंगे। वो मुझे छोटा सा बच्चा ही समझते हैं और मुझे इतना प्यार करते हैं कि उन सिस्टर ने मेरी ख्वाहिश पूरी करी। मैं पापा से ख्वाहिश कर रही थी, मम्मा से कर दी, उन्होंने तो मुझसे पूछा भी नहीं, उन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी भी कर दी। माशाल्लाह, आई लव यू, लव यू सो मच सिस्टर। क्या करें भैया, इतना सा बच्चा नहीं, इतना सा बच्चा बड़ा। वो जो भी है पर वो मुझे अपना बच्चा समझते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जब वो मुझे कॉल भी कहते हैं ना, छोटी गुड़िया छोटी, आप हमें बच्चों जैसी लगती है। अक्सर किसी भी व्यूअर की कॉल आती है ना, तो मम्मा वो क्या कहती है, छोटी सी गुड़िया से बात नहीं कहते, आप हमें बच्चों जैसी लगती हो, आपका फेस हमें बच्चों जैसा लगता है, हमें बच्चों जैसे लगते पसंद करते हैं, हमारे बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं। यूट्यूब पे जो फौज है ना हमारी, छोटी छोटी सी बच्ची है, बच्चे ज्यादा से छोटे बच्चे पसंद करते हैं हमारी वीडियो को। हाँ, और उनकी माए पसंद करेंगे, बहने पसंद करती, उन्हीं का ये दुआओं का नतीजा है। हाँ जी, बच्चे मन के सच्चे। अच्छा ये देखें, कहते हैं लोग के मैं दुआ जहरा जैसी लगती हूँ, हम ऐसे एक दूसरों एक जैसे लगते हैं ना पापा, ठीक है ना। तो व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा रहे, किसी से बार बार मिलते रहे। इसके साथ दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और टॉपिक से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।